फादर्स मदर डे, सबको फादर्स डे मुबारक हो. और जो मैरिड मेन हैं, योर ब्लेसिंग इज कमिंग. हैप्पी फादर्स डे टू यू एज वेल. मैंने कहा कि जो मैरिड हैं, जिनकी अभी औलाद नहीं है, आपकी ब्लेसिंग आ रही है, आपको भी फादर्स डे मुबारक हो. खुदावंद का शुक्र हो इस दिन के लिए. वैसे तो रोज ही खुद माय पेरेंट्स को ऑनर करना चाहिए, क्योंकि कलाम में लिखा है, लेकिन दुनिया में एक ये डे मुकर्रर हुआ है जब स्पेसिफिकली हम वालिद साहब क्या कहेंगे, फादर को, वालिद को ऑनर करेंगे. हम स्टार्ट करेंगे, मुझे स्टार्ट स्क्रिप्चर पहला हवाला पढ़ेंगे खरूज की किताब से. खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत. तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो. यही बात दोबारा यीशु मसीह ने भी कोट किया. विल जस्ट गो अहेड एंड रीड दैट एज वेल. मत्ती की किताब से भी हम यही बात पढ़ेंगे. मत्ती की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 19वीं आयत. अपने बाप की और माँ की इज्जत कर. अब आप लोग सोच रहे होंगे ये मैसेज तो शायद सिर्फ फादर्स के लिए है. फादर्स डे इसलिए मैं फादर कह रही हूँ, लेकिन ये मैसेज मदर्स के लिए भी है, सिस्टर्स के लिए. As long as you have breath in your lungs, अगर आप जिंदा हैं तो ये मैसेज सबके लिए है. जो जो जिंदा है ये मैसेज उनके लिए है. तो जो फादर्स नहीं है वो चेकआउट ना कर जाए कि ये मेरे लिए मैसेज नहीं है. ये आप सबके लिए मैसेज है. ये 10 अहकाम में खुदावंद ने कहा कि माँ बाप की इज्जत करना, और बाद में यीशु मसीह ने भी नए अहदनामे में इस बात को दोहराया. अब ये मैं थोड़ा इंटरेक्शन चाहूंगी. प्रैक्टिकली हम कैसे ऑनर कर सकते हैं? वालिदैन का लिखा है, माँ बाप का लिखा है, लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली सिर्फ फादर्स की बात करेंगे. हम फादर्स को कैसे ऑनर कर सकते हैं? कोई भी जस्ट प्रैक्टिकल वे इज वी कैन ऑनर आवर फादर. उनको प्यार करने से. प्यार करने से. प्यार एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? फादर को ओबे करके. ठीक है, हाँ जी. और कम ऑन गाइस, आप अपने वालिद की इज्जत कैसे करते हैं? प्रैक्टिकली मुझे बताएं कोई एग्जांपल. सर्व करना और प्रेज, दैट्स अ गुड वन. आप लोग बाकी कम ऑन गाइस, फरमा बता जी आपने क्या बोला? जी जी. और कुक फॉर देम, अच्छा सा खाना पकाना, सर्व करना, या खुद खिलाएं या रेस्टोरेंट ले जाएं. बेसिकली ये आप लोगों के आइडियाज हैं कि आप फादर्स को कैसे ऑनर करते हैं. आप उनको वर्ड से कह सकते हैं, थैंक यू कह सकते हैं कि वालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी लाइफ में जो किया है, आपकी दुआओं का शुक्रिया. आप वर्ड से कर सकते हैं और वर्क्स से भी कर सकते हैं. वर्क्स मतलब जुबान से भी और कुछ काम करके. कुछ नहीं भी आता तो जैसे कौन कह रहा था दुआ देना, किसने बोला ये दुआ देना, दुआ लेना, मसाज कर देना, और यू नो जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद देम. सिर्फ वालिद के साथ अगर थोड़ा टाइम गुजारते हैं, क्वालिटी टाइम, ये भी इट मींस अ लॉट. आजकल के जमाने में जितना लोग बिजी हैं, थोड़ा आप टाइम अगर गुजारें वालिद साहब के साथ, वो भी इट्स वन ऑफ द वेज यू कैन ऑनर योर फादर. अब बहुत सारे तरीके जिनसे आप फादर को ऑनर कर सकते हैं. मेरे जहन में जो खुदा ने मुझे दिया वो इश्क की किताब से है, चौथा बाब उसकी 32वीं आयत. और एक दूसरे पे मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो. वालिद साहब के साथ मेहरबान रहे, ठीक है, रहम दिल रहे, नरम दिल रहे, और कसूर माफ करें. अब ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट इसकी है कि वालिद साहब जो फादर्स, वो हम लोग को बार बार माफ करते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स मैस अप करते हैं, जब वालिद साहब या फादर्स मैस अप करते हैं, लेकिन उसी को गलती हो जाती है. जब वो गलती करते हैं हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनको माफ करना, बिकॉज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तो बड़े हैं, इन्हें तो सब कुछ पता होना चाहिए. तो जब आपको कुछ समझ आए कैसे मतलब ऑनर करना है, तो आपने अपने आप को चेक करना है, क्या मैं अपने वालिद के साथ नरम दिल हूँ, क्या मैं अपने वालिद के साथ मेहरबानी कर रहा हूँ. और अगर आपके दिल में उनके लिए कोई अनफॉरगिवनेस है, माफी नहीं की किसी बात की, या किसी वजह से बिटरनेस है, तो क्या आप उन्हें वैसे माफ कर रहे हैं जैसे मसीह यीशु ने आपको माफ किया? आप सोचें. और अभी अपनी आंखें बंद करें प्लीज. आपके
दिल में अगर आपको लगता है कि आपने अपने फादर को वैसे ऑनर नहीं किया, वैसे इज्जत नहीं दी जैसे कि खुदावंद आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, वैसे अपने बाप की केयर नहीं की जैसे खुदावंद आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। मैं उन बातों का नहीं कह रही कि खुदा के कलाम में कुछ और लिखे, वालिद साहब कुछ और कह रहे हैं, आप खुदा को छोड़ के वालिद साहब की बात माने, वो नहीं। जो बिब्लिकली ट्रूथ के अंदर रहते हुए, खुदा की मर्जी के अंदर रहते हुए, जिससे खुदावंद के साथ आपका रिलेशनशिप इफेक्ट नहीं हो रहा, उसके अलावा कोई भी अगर ऐसी रीजन है जिनकी वजह से आपको लगता हो आपने अपने फादर को सही से ऑनर नहीं किया या थोड़ा गैप है, डिस्टेंस है, तो आज खुदावंद से माफी मांगे। और अगर आप इन टच नहीं, आपने बिल्कुल उनको छोड़ दिया, आज थोड़ा एफर्ट करें, घर जाकर उन्हें कॉल करें, हैप्पी फादर्स डे का, कीप योर आईज क्लोज्ड, कमिटमेंट करें खुदावंद से, अपनी आंखें बंद रखें, खुदावंद से कमिटमेंट करें और खुदावंद से माफी मांगे। अगर आपको लगता है आपने अपने बाप को, चाहे वो जिंदा है चाहे दुनिया में नहीं है, अगर आपने उनको ऑनर नहीं किया, उनके खिलाफ कोई दिल में बुरी बात है, तो अभी उनको फॉरगिव करें। उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ।
तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह दी और उस जगह को दूर से देखा। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। बस यहाँ तक इब्राहिम अपने बेटे के सामने एक एग्जांपल काम कर रहा है कि हम खुदावन को सजदा करने इकट्ठे जा रहे हैं, खुदावन को वर्शिप करने जा रहे हैं। अब कुछ बातें होती हैं कि जो इंसान सिर्फ लफ्जों से कहता है उनका सच बताऊं बच्चों पे बिल्कुल असर नहीं होता जब तक कि हम वो चीज मॉडल ना करें। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब मैं जॉब नहीं कर रही, प्रेगनेंसी से पहले जब मैं काम कर रही थी, मैं टीचर का मेरा ऑक्यूपेशन है। मेरी क्लास में एक बच्ची थी और वो उनका स्कूल का यूनिफॉर्म था, काफी ड्रेस कोड वगैरह प्रॉपर, वो चाहते थे कि बच्चे आए। वो बच्ची जब मैं उसको देखूँ वो सॉक्स उतार के बैग में रखी, शूज विदाउट सॉक्स पहन रही थी। तो दो तीन दफा मैंने उसे कनेक्ट किया कि सारा प्लीज पुट योर सॉक्स ऑन, सारा अपने सॉक्स पहने, सारा आपके सॉक्स कहाँ हैं। तो एक दो दिन ऐसे ही चलता रहा, मुझे देखती रहती थी और मतलब उस टाइम पहन लेती थी, थोड़ी देर बाद फिर उतारे हुए थे। तीसरे दिन मैं दोबारा कहा, सारा प्लीज पुट योर सॉक्स ऑन, प्लीज अपने सॉक्स पहने। तो उस बच्ची ने पता है क्या, मिस हनी यू नॉट वेयरिंग एनी सॉक्स, हनी टीचर हनी आपने सॉक्स नहीं पहने हुए। जो मैं मुंह से कह रही थी उसको वो समझ नहीं थी आ रही, वो मॉडल कर रही थी जो मैं कर रही थी। हालांकि मैंने उसको जूता उतार के दिखा, मैंने कहा सारा आई एम वेयरिंग नो शो सॉक्स। नो शो सॉक्स बोलते हैं जो गर्मियों में पहनते हैं, जो बाहर से नहीं नजर आते, आपका बस नीचे से फुट कवर करते हैं। कि मैंने उसको दिखाया, सारा योर टीचर इज वेयरिंग सॉक्स। मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि बच्चे, स्पेशली बच्चे, आप जितना मर्जी बोल लें उनको उतना असर नहीं होगा जितना जो आपको देखते हुए करते हैं वो तब असर लेंगे। अब इधर इब्राहिम क्या कर रहा है, इसहाक को साथ कुर्बानी के लिए लेकर जा रहा है। अब इब्राहिम को तो पूरी स्टोरी पता है ना कि आगे क्या होना है। इसहाक की इधर ओबीडियंस देखिए, वो अपने जानता है कि मेरा बाप एक गॉडली मैन है, मेरा बाप एक अच्छा इंसान है, और अगर वो वर्शिप करने जा रहा है, सजदा करने जा रहा है, तो आराम से साथ चल पड़ा है। व्हिच मेक्स मी थिंक कि इब्राहिम ने सिर्फ एक दफा ऐसे नहीं किया कि साथ इसहाक के खुदावन की हम की सिताइश की या खुदावन की पूजा की, वो अपनी फैमिली के साथ अक्सर करता होगा। इसलिए हमें कहीं नजर नहीं आता कि इसहाक कहता है कि क्या बाप क्या हो क्या रहा, वो साथ जा रहा है। और इब्राहिम क्या कह रहा है, हम सजदा करके आते हैं। ये एग्जाम्पल एक बाप अपने बेटे के साथ सेट कर रहा है दिखा के कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खुदावन को सजदा करना। अब इसहाक फुली अवेयर है कि कैसे वर्शिप करनी है, कैसे खुदावन को सजदा करना है, कैसे खुदावन की इज्जत करनी है, ये हमें आगे जाके पता चलेगा। लेट्स गो अहेड एंड प्लीज रीड द नेक्स्ट वन। ये पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 7वीं आयत। तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, ऐ बाप, उसने जवाब दिया कि ऐ मेरे बेटे मैं हाजिर हूं। उसने कहा, देख आग और लकड़ियां तो हैं पर सोखती कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है। सोखती कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है, ये क्वेश्चन इसहाक अपने बाप से कर रहा है। आपको इसमें समझ आ रही है कि इसहाक का ये कहना बताता है कि इसहाक को पता है कुर्बानी कैसे देनी है। इब्राहिम ने उसे सब कुछ सिखाया है, साथ मॉडल करके दिखाया है। और मैं बताऊं, आपके बच्चे के रोल मॉडल्स बन सकते हैं। अगर आप उन्हें नहीं सिखाएंगे ना, तो दुनिया खुद ही सिखा देगी। टीवी, इंटरनेट, बाहर जाएंगे, आप अच्छी चीज मॉडल नहीं करेंगे, बच्चों की तो सीखने वाली एज है, आप अच्छी चीज नहीं सिखाएंगे, डेफिनेटली वो कुछ गलत चीज सीखेंगे आपके सिखाए बगैर। इसलिए स्टार्ट नाउ, आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। इधर आइज़क को पता है कि लकड़ियां तो ली नहीं, क्या कुर्बानी तो नहीं, बर्रा तो लिया नहीं, क्योंकि इसहाक सब जानता है कि कैसे सजदा करना है। आगे बढ़ें प्लीज, नेक्स्ट वन। पैदाइश 22वां बाब 8वीं आयत। अब्राहम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोखती कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो दोनों आगे चलते हैं, खुदा मुहैया करेगा। इब्राहिम क्या सिखा रहा है आइज़क को, एक बाप अपने बेटे को क्या सिखा रहा है, खुदावर मुहैया करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। पेरेंट्स, सबसे बेस्ट चीज इन माय ओपिनियन जो माँ बाप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं वो ये कि खुदा
thing you can teach your children is to teach them how to depend on God. आप अपने बच्चों को सिखाएं कि वो खुदा पे कैसे डिपेंड कर सकते हैं. ठीक है, जमीन पे खुदा ने वालिद को, पेरेंट्स को प्रोवाइडर बनाया है, लेकिन वो सोर्स नहीं है, वो रिसोर्स है. मेन कौन है प्रोवाइडर? खुदावर. एब्राहम आइज़क को सिखा रहा है, खुदावर विल प्रोवाइड, खुदावर प्रोवाइडर है. ऐसे ही खुदावर कहता है, मैं अब्राहम इसहाक याकूब का खुदावर. आप देखिए, बचपन से ही बाप का रोल इब्राहम कैसे निभा रहा है. आगे पढ़े प्लीज. नेक्स्ट है पैदाइश, 22वां बाब 9वीं से 12वीं आयत. और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी. वह अब्राहम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा. अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी दी कि अपने बेटे को ज़िबह करे. तब खुदा के फरिश्ते ने उसे आसमान से पुकारा कि ऐ अब्राहम. उसने कहा, मैं हाजिर हूं. फिर उसने कहा, तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उसे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया हूं कि तू खुदा से डरता है, इसलिए तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे देना दिया. अब्राहम इधर क्या सिखा रहा है आइज़क को? गॉड इज नंबर 1. अब्राहम क्या खुद अपने बेटे को सिखा रहे हैं? हर रिश्ता, हर हॉबी, हर एक्टिविटी, हर एक्शन बाद में गॉड इज नंबर 1. चाहे उसके लिए अब्राहम इसहाक को भी सैक्रिफाइस कर दे. क्या सिखा रहे अब्राहम? जब अपने बेटे को ही सैक्रिफाइस के लिए डाले, इसहाक क्या सीख रहा है? गॉड इज नंबर 1, खुदावंद प्रायोरिटी है. इधर अभी हम इतने सालों से मसीह और अब हम अभी तक फ्लैश और रूह और जिस्म की लड़ाई ही लड़ रहे हैं, ये चलती रहेगी. लेकिन खुदावंद का शुक्र है, पाक रूह के लिए जो हमारा मददगार और हेल्पर है. हालेलुया. अब्राहम ने आइज़क के लिए एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि गॉड इज नंबर 1. अब खुदावंद ने अब्राहम को एक्नॉलेज या सराहा उसके ऐसे खुदा से डरने को, फियर ऑफ गॉड को. इधर लिखा है ना, उसने कहा कि मैं जान गया कि तू खुदा से डरता है. इसके लिए हम नेक्स्ट हवाला पढ़ेंगे प्लीज. पैदाइश 22वां बाब 12वीं आयत. फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उसे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे प्रेरणा दिया. अब इसका रिवॉर्ड, खुदावंद से डरने का रिवॉर्ड हम पढ़ेंगे जबूर की किताब में, जबूर 112. क्या कह रहे हैं कि अब्राहम मैं जान गया तू खुदावंद से डरता है. अब आया रिवॉर्ड उन लोगों के लिए जो खुदावंद से डरते हैं. जबूर 112 1-3 आए. खुदावंद की हम करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है. उसकी नस्ल ज़मीन पर ज़ोरावर होगी. उसकी नस्ल, obedience is generational. जब आप खुदावंद को नंबर वन करते हैं, जब आप खुदावंद के साथ चलते हैं, जब आप अपने फादर होके अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रहे हैं, अपने बेटे को सिखा रहे हैं, खुद सबसे बढ़कर आप खुदावंद से डरते हैं, आपकी ब्लेसिंग, आपका रिवॉर्ड एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाता है. ये दोबारा पढ़ें प्लीज. उसके हुक्मों में खून मसरूर रहता है, उसकी नस्ल जमीन पर ज़ोरावर होगी. दासबाजों की औलाद मुबारक होगी. मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम है. क्या यहाँ पर मिसिंग है? कुछ भी नहीं. मालो दौलत भी आ गई, सदाकत, सुकून, इत्मीनान, सब कुछ आ गया. इसलिए जो खुदा से डरते हैं, देयर इज अ रिवॉर्ड. जो खुदावंद को ओबे करते हैं, आपका एक रिवॉर्ड है. अब्राहम का क्या स्पेसिफिकली इस स्टोरी में, अब्राहम को क्या रिवॉर्ड मिला? उसको खुदावंद ने कैसे एक्नॉलेज किया, कैसे सराहा? लेट्स रीड अबाउट इट प्लीज. पैदाइश 22:15-18. और खुदावंद के फरिश्ते ने आसमान से दोबारा अब्राहम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, क्योंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है प्रेरणा रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई. मैंने अपनी जात की कसम खाई. खुदा से बड़ी कोई चीज है?
खुदा अपनी जात की कसम खा रहे हैं। मैंने भी कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। हालेलुया हालेलुया। और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर की रेत की मानद कर दूंगा। और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के पाठक की मालिक होगी। और तेरी नस्ल की वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने ही मेरी बात मानी। वाओ, दैट्स अमेजिंग। मजा आ रहा था सुनने का। रात को मैं स्टडी करते इतना मजा आ गया, तो सुनने का और भी दोबारा मजा आ रहा है। इतना अमेजिंग कैरेक्टर अब्राहम, लेकिन हम उसे जानते हैं खुदावंद आदम, अब्राहम ईमान का अच्छा बंदा। कभी सोचा था वो कितना अच्छा फादर है, वो कितना अच्छा बाप है, अपने बेटे के लिए क्या एग्जाम्पल छोड़ रहा है, अपने बेटे को क्या सिखा रहा है। आप जो वालदैन हैं, स्पेसिफिकली फादर्स हैं आप, या जो होने वाले फादर्स हैं, डू यू थिंक आप ऐसी लाइफ अभी जी रहे हैं कि कल को जब आपके बच्चे होते हैं वो आप पे प्राउड फील करें, या अभी जो आपके बच्चे हैं वो आपसे खुश हो? मुझे पता है, अब मैं प्रेज बाइस्टों के लिए कर रही, लेकिन मेरे भाई के लिए मेरे फादर रोल मॉडल है एंडी, और मैं यही कहते थे कि हम शादी करेंगे तो ऐसे बंदे से तो डैड जैसा। इज़न्ट दैट अमेजिंग? ऐसे वालदैन होने चाहिए, ऐसे फादर्स होने चाहिए। क्या आप अपने बच्चों के रोल मॉडल हैं? क्या आपके बेटे बेटियां कह सकते हैं कि मुझे अपने बाप जैसा बनना है, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी मेरी माँ जैसी हो, या मेरा बेटा मेरे बाप जैसा हो, या मुझे बीवी मेरी माँ जैसी मिले? इफ नॉट, आप अपने आप जो गुजर गए आप उनको ब्लेम ना करें कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, ये किया, वो किया। यू आर द नेक्स्ट जनरेशन, जो वो नहीं कर पाए आप आगे करें, आप अपने बच्चों के साथ करें। अभी हमने पार्ट वन सीखा था, ऑनर योर फादर एंड मदर, अपने वालदैन की इज्जत करना, जिसमें हमने एक चीज सीखी थी कि वालिद की इज्जत कैसे करना। हमने कुछ प्रैक्टिकल चीजें सीखी थी कि अपने फादर को कैसे ऑनर कर सकते हैं। पार्ट टू में हमने सीखा कि अच्छा वालिद बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि खुदावंद के साथ रिश्ता हो। क्या क्या कहा है मैंने पार्ट टू में, क्या कहा था? खुदावंद के साथ रिश्ता हो। अब एक चीज जो बहुत लोगों में लैकिंग गया, और मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रही, हम में से कोई भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं, हम सब सीख रहे हैं, होली स्पिरिट हमें साथ साथ सिखा रहे हैं। पहली चीज खुदावंद के साथ इत्तेफाक रखना। दूसरी चीज वालिद, फादर्स दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यू, आपका अपनी बीवी के साथ रवैया इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। आप और आपकी वाइफ का रिलेशनशिप कैसा है? आप देखिए जितने भी मेस्ड अप, जितने भी खराब घर हैं, जितने भी बच्चे बिगड़े हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी कोई ना कोई स्टोरी है। माँ बाप लड़ते थे, बाप बीवी को मारता है, बेटे को लगता है मारना इज ओके, वो आगे अपनी बीवी को मारता है। और जब मियां बीवी लड़ते हैं घर का कितना हाल खराब होता है। सबसे ज्यादा सफर कौन करते हैं? सबसे ज्यादा अजियत किसको सहनी पड़ती है? बच्चों को। पार्ट वन में हमने सीखा कि बाप को जो है, वालिद साहब जो है, उनको खुदावंद के साथ रिश्ता रखना है। सेकंड, अपनी बीवी के साथ अच्छा रिश्ता रखना है। आपका अपनी बीवी के साथ रवैया आपके घर को प्रॉस्पर करेगा। हम एक ऐसे शख्स को एज एन एग्जाम्पल लेंगे जिसको मैंने बहुत कम सुना कि लोग उसकी मिसाल देते हैं। अलकाना तो किस किस को पता है? सारे पीस खड़े हो जाएंगे साहब, और सोचिए अलकाना कौन है? सब खड़े हो जाएं और सोचे, ठीक खड़े हो जाएं और सोचे कि अलकाना बाइबल में कौन था? हन्ना का हस्बैंड। कौन है? हन्ना का हस्बैंड। हन्ना का हस्बैंड, किसी को पता है हन्ना कौन है? सैमुएल की माँ। ये स्टोरी बाइबल में पता है, सैमुएल की स्टोरी। सैमुएल की माँ का नाम हन्ना था। बाप का नाम बहुत कम लोगों को पता है, बाप का नाम अलकाना था। प्लीज बैठ जाए। अब आप हस्बैंड जो है दो तरीके से अपनी वाइफ को प्यार कर सकते हैं, सहरा सकते हैं। जैसे मेरे बाप की ने कहा कि हम उन्हें कैसे ऑनर कर सकते हैं, वर्ड्स से, वर्क्स से, अल्फाज से और कामों से। वाइफ को कैसे ऑनर करना है? ऐसे वर्क्स से, कामों से और अल्फाज से।
हम अलकाना की स्टोरी पढ़ेंगे। सबको पता है कि अलकाना हन्ना का हस्बैंड था। मैंने अभी आपसे पूछा, आपने बता दिया हन्ना की औलाद नहीं थी। अलकाना खुदावंद से प्यार करता था। जो बाइबल में लिखा है कि जब कुर्बानियां होती थी तो वो जाता था अपनी फैमिली के साथ, कुर्बानियां वगैरह चढ़ाता था। खुदावंद से प्यार करने वाला शख्स है। अब वो अपनी बीवी से कैसे प्यार एक्सप्रेस करता है, वर्ड्स एंड वर्क्स। पहले हम देखेंगे पहला सैमुएल पहला बपतिस्मा। ये शख्स यानी अलकाना हर साल अपने शहर से सैला में रब अल्फाज के हुजूर सिजदा करने और कुर्बानी गुजारने को जाता था। सिजदा करने, ये दोबारा आ गया कि नंबर वन खुदावंद के साथ रिश्ता। ये हर साल जाता था, खुदावंद के साथ चलता था, तो उसे पता था अपनी बीवी को कैसे ट्रीट करना है। नेक्स्ट पढ़िए प्लीज 1:5। पहले आपकी पांचवी आए और हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था। हन्ना को खाने के टाइम वो डबल पोर्शन देता था। हन्ना को खाने के टाइम डबल पोर्शन देता था। अब आप लोगों के लिए शायद कोई इतनी बिग डील नहीं है, उस जमाने के लिए हन्ना के लिए पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी कि उसका हस्बैंड एक्शंस के साथ, अपने काम के साथ छोटी सी चीज को लेकर हन्ना को अप्रिशिएट कर रहा है, हन्ना को प्यार अपना एक्सप्रेस कर रहा है। आप क्या कर सकते हैं कि आपकी वाइफ आपका लव फील करे? या तो वो खाने का डबल पोर्शन दे रहा है हन्ना को, आप फ्लावर्स ला सकते हैं इफ योर वाइफ लाइक्स फ्लावर्स। अगर आपकी वाइफ को शॉपिंग पसंद है, शॉपिंग पे ले जाए, और कुछ नहीं तो गोलगप्पे खाने ले जाए ना गोलगप्पे। जरूरी नहीं कि आप डायमंड्स दें, बड़ी बड़ी चीजें दें, इवन लिटिल थिंग्स जिससे आपकी वाइफ विल फील लव्ड। हन्ना खाने का डबल पोर्शन देता था। आई लव ईटिंग, मुझे भी ये पसंद है। फिर मुझे अक्सर खाने की कुर्बानी मेरे लिए देते हैं, अपना हिस्सा मुझे दे देते हैं खाने की। इधर वो क्या दे रहे हैं अपनी वाइफ को, डबल पोर्शन। आपको पता है आपकी वाइफ को आप कैसे वर्क्स से एक्सप्रेस कर सकते हैं प्यार? अब आगे वो वर्ड से, अल्फाज से अलकाना कैसे अपनी वाइफ से प्यार करता था, हम उसके बारे में देखते हैं। पहला सैमुएल पहला बाब 8 है। सो उसके खामन अलकाना ने उससे कहा, ऐ अल्लाह तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती और तेरा दिल क्यों आसुदा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? हन्ना अपनी बीवी, हन्ना को उसका शौहर ये कह रहा है जिसकी औलाद नहीं है, कह रहा है कि मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं। वो अपने अल्फाज से अपनी बीवी को इनकरेज कर रहा है, अपने अल्फाज से अपनी बीवी को लिफ्ट अप कर रहा है, अपने अल्फाज से अपनी बीवी को फील करा रहा है कि आई लव यू, अपने अल्फाज से अपनी बीवी को फील करा रहा है कि यू आर वैल्यूएबल, अपने अल्फाज से अपनी बीवी को बता रहा है कि मैं आपके लिए काफी हूँ, I am enough for you. 10 बेटे जो खुशी देंगे ना, मैं उनसे भी बढ़कर हूँ। 10 बेटों से जो जो आप एक्सपेक्ट करती हैं, मैं आपके लिए उनसे भी बढ़कर हूँ। अपने अल्फाज से, आप अपने अल्फाज से अपनी वाइफ को टेयर डाउन कर रहे हैं, टेयर डाउन मतलब उसको तोड़ रहे हैं, या आप अपने अल्फाज से उसको बिल्ड अप कर रहे हैं? आप सोचें, क्योंकि अगर आपके घर का माहौल सही नहीं, वालिद साहब फादर्स, अगर आपके घर का माहौल सही नहीं, यू कैन नेवर बी अ गुड फादर। आप अपने बच्चों के लिए बेस्ट चीज कर सकते हैं कि खुदावंद से प्यार करें और दूसरा बच्चों की माँ से प्यार करें, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। अब मदर्स सोच रही होंगी ये तो 6 सारे बाप के लिए, आज मदर्स डे नहीं है इसलिए बाप की बात हो रही। अब पार्ट नंबर 3 दोबारा सब प्लीज, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर आपको गर्मी ना लगे, एवरीवन प्लीज स्टैंड अप। जब कहा जाते तो प्लीज सब खड़े हो, थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह करें क्योंकि पार्ट 3 शुरू होने लगा है, मेरे पास अभी टाइम है। मैं आपको जरा जमाई ले, थोड़ा स्ट्रेच कर ले, साथ वाले से हाथ मिला ले, हग ना करें, सब स्वेटी हैं तो हग वगैरह ना करें, सब पसीना से भरे हो, हाथ मिलाए, हेलो कह दे, मेक श्योर यू आर अवेक। कोई साथ सो रहा है उसको जेंटली गोली मारे कि उठ जा बहन, उठ जा भाई। अब प्लीज बैठ जाए, जो फादर्स हैं, जो बाप हैं, या जो मां
आप ऑर्फन हैं? ऑर्फन क्या आप यतीम हैं? अगर आपके वालिद साहब इस दुनिया में हैं या नहीं है, अगर आपका खुदा के साथ रिश्ता नहीं तो आप यतीम हैं। आपके वालिद साहब इस जमीन पे जिंदा हैं या नहीं है मैं वो बात नहीं कर रही। अगर आपका खुदा के साथ रिश्ता नहीं है तो आप आज भी यतीम हैं और हमेशा यतीम ही रहेंगे। बाइबल में क्या लिखा है? जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। हम सब खुदावन की मखलूक तो हैं लेकिन सब खुदावन के बेटे बेटियां नहीं हैं। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। अगर आप आज फादर्स डे मना रहे हैं और आपका खुदावन के साथ रिश्ता नहीं है तो क्या फायदा? साल में एक दिन आया चला गया। एवरी डे कैन बी अ फादर्स डे अगर आप खुदावन के साथ है। खुदावंद आपका बाप है जो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। खुदावंद आपका बाप है जो आपसे प्यार करता है। मुसरफ बेटे की स्टोरी किस किस को पता है? मुझे लगता है कि उस स्टोरी को मुसरफ बेटे की स्टोरी की बजाय कहना चाहिए था प्यार करने वाले बाप की स्टोरी। बिकॉज आई थिंक उसका जो मेन कैरेक्टर है वो प्रोडिगल सन नहीं है, लविंग फादर है। ऐसा बाप जो खुदावंद को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा बाप जो खुदावंद को पेश करता है। मुसरफ बेटे को उसने फोर्स नहीं किया। जब उसने कहा कि मैं अपनी चीजें लेके जाना चाहता हूँ, अपना जो मेरा बनता है हिसाब पूरा करके मैं जाना चाहता हूँ, उसने उसको फोर्स नहीं किया कि बेटा ठहर जा ये वो। जो मुझे थोड़ा खुदावंद के रिमाइंड कराता है कि खुदावंद ने हमें फ्री विल दी है, खुदावंद ने हमें आजाद मर्जी दी है कि हम अपने दिल से खुद से खुदावंद के साथ चले। वो अपना चीजें वगैरह लेकर चला जाता है, बाद में बाइबल में लिखा उसको एकदम होश आती है जब सब कुछ छोड़ जाते हैं, सब बदल काम कर लेते हैं, एकदम अपने सेंसेस में आता है। इंग्लिश बाइबल में लिखा ही केम टू हिज सेंसेस, जैसे फर्स्ट टाइम जिंदा हुआ हो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या था, क्या बन गया हूं। आप आज आपकी जिंदगी कैसी भी है, शायद आई होप आज वो दिन हो कि आप अपनी सेंसेस में आए, खुदावंद के पास आए, खुदावंद आपकी आंखें खोले कि मैं कर क्या रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ। जैसे मुसरफ बेटे को एहसास हुआ कि मेरा बाप तो इतना अमेजिंग है, उधर तो नौकर भी इतने अच्छे हैं, मैं क्या कर रहा हूं। काश आज आप भी अपनी सेंसेस में आपकी आंखें खुले जैसे मुसरफ बेटे की खुली कि मेरा बाप तो बादशाहों का बादशाह है, मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूं। अगर अभी मेरी जान निकल जाए, मैं इस जमीन को छोड़ दूं, तो मैं क्या अपने बाप के साथ हूंगा? क्या मैं अपने बाप के साथ हमेशा की जिंदगी गुजारूंगा? ये आदमी अपनी सेंसेस में आया, मुसरफ बेटा, he came to his senses, उसको एहसास हुआ कि मैं क्या था, क्या बन गया, और अपने बाप के पास जा रहा है। और उसको मुझे लगता है स्टोरी में दोनों बेटे अपने बाप को नहीं जानते, दोनों बेटों के लगता नहीं कैरेक्टर से कि वो अपने बाप को समझते हैं। इधर अभी भी बच्चा कह रहा है कि मैं जाऊंगा बाप से कहूंगा कि मुझे नौकरी बना लो, मतलब लोस्ट से लोस्ट पोजीशन भी ले लो। लेकिन it says the father was looking out for him, बाप उसकी राह देख रहा था। मुझे नहीं लगता है कोई स्पिरिचुअल बात है कि भाई हुआ एकदम से उसको इल्हाम हुआ, क्या कहते हैं, he was actually looking out for you, looking out for the prodigal son। ऐसे ही खुदावंद अभी भी आपकी राह देख रहे हैं, जैसे मुसरफ बेटे की राह उसका बाप देख रहा था, खुदावंद अभी भी आपकी राह देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ बेटे घर लौट आ। खुदावंद की आंखें खुली हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं, क्या ये आज मुझे कबूल करेगा, क्या आज मेरे पास आएगा। खुदावंद अभी भी आपकी राह देख रहे हैं और जैसे मुसरफ बेटा आया आप भी आ जाए खुदावंद के पास, खुदावंद को अपना दिल दे दें आज भी। और अगर आप मसीही हैं, शायद आप दूसरे बेटे की तरह हैं, रिलीजियस हैं, अपने बाप के साथ चल रहे हैं, बाप के घर में रहते हैं, शायद आप मजहबी हैं, लेकिन आप बाप को ही नहीं जानते। दूसरा बेटा अपने बाप को नहीं था जानता, वो अपने बाप के साथ रहने को कह रहे हैं कि मैंने तेरी इतने सारे गुलामी की मुझे क्या मिला, वो अपने बाप को जानता ही नहीं है। और खुदावंद उसे क्या कहते हैं, जो आदमी खुदावंद को रिप्रेजेंट कर रहा है, खुदावंद उसे कहते हैं, वो बाप अपने बेटे को कहता है बेटा जो कुछ मेरा है वो तेरा है, दूसरे बेटे से ही कह रहे हैं। एक कुछ लोग कहते हैं कि एक चीज रिप्रेजेंट कर रही है यहूदियों को, एक रिप्रेजेंट कर रही है जेंटाइल्स को। मुस्लिम
जेंटाइल्स हैं और जो खुदा के साथ रहते थे वो यहूदी थे जो खुदा को नहीं जानते, उसने बेटी की मैं बता रही हूँ। Anyways, coming back to the story, क्या आप आज खुदा के साथ चल रहे हैं जैसे उसका बेटा अपनी सेंसेस में आया, अपनी आंखें बंद करें? आप खुदावन से पूछेंगे, खुदावन क्या मैं वहां हूं जहां मुझे होना चाहिए था? खुदावन क्या मैं जमीन में बाप होने पर भी यतीम हूं? क्या खुदावन मैं यतीम हूं, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है? शायद मैं चर्च भी आता हूं, आती हूं, शायद मैं बाइबल भी पढ़ती हूं, पढ़ता हूं, गीत भी गाता हूं, बट मेरा वैसा रिश्ता नहीं है जैसे बाप और बच्चे का होना चाहिए। अगर ऐसा है तो खुदावन को अपनी लाइफ रीडेडिकेट करें। और अगर आपने खुदावन को सच्चे दिल से कभी कबूल नहीं किया, आज दिन है, खुदावन को अपना दिल दें। खुदावन से कहे, खुदावन ये फादर्स डे मैं अपनी जिंदगी आपको देता हूँ, आप मेरे फादर हैं, मैं आपके पास आता हूँ। और अगर आप मसीही हैं लेकिन आप खुदावन के साथ नहीं चल रहे, तो मुकाशफा की किताब में खुदावन कहते हैं कि देख मैं खड़ा तेरे दिल के दरवाजे खटखटा रहा हूँ। गॉड इज वेटिंग टू कम्यून विद यू। खुदावन वेट कर रहे हैं कि आप कहने को तो मसीह हैं लेकिन आपका उसके साथ रिश्ता नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, टाइम स्पेंडिंग नहीं है। खुदावन कह रहे हैं मैं आपके दिल को खटखटा रहा हूं, डोर को खटखटा रहा हूं, दरवाजा खोलें और उसके अंदर आने दें। हालेलुया। फिर प्लीज जाएं, एवरीवन प्लीज स्टैंड अप, सब खड़े हो जाएं। अब आप सब तो सब सवाए उनके जिनके उठते हैं उठने की इजाजत नहीं देते। फिर वो गीत गाएंगे और उसके दौरान आप अपने आप को एग्जामिन करें, अपने आप को चेक करें, आप खुदावन के साथ चल रहे हैं कि नहीं, कि दुनिया की भीड़ में इधर उधर हो गए। जब आपका बाप इतना अमेजिंग है, जब आपका बाप इतना लविंग है, मर्सीफुल है, रहमदिल है, फॉरगिव करने वाला है, माफ करने वाला है, क्या फिर भी आप Thank you.
God loves you. खुदावन आपसे प्यार करते हैं. God loves you, God loves you, God loves you. खुदावन आपसे प्यार करते हैं. You are loved. You are valuable. आप कीमती है, इतना कीमती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने बेटे यीशु को आपके लिए भेज दिया. दूसरी बात, sin separates you from God. गुनाह आपको खुदा से दूर करता है. यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए सलीब पर आए. Jesus died for your sins. खुदावन आपके गुनाह माफ करना चाहते हैं. खुदावन को अपना दिल दे दें. अगर आप खुदावन से दूर हैं, आज भी वक्त है खुदावन के साथ चलें. प्लीज बैठें.